हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। आई होप सब ठीक होगा, पढ़ रहे होंगे बेहतर होगा। चलिएगा अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि आज आपको अलंकार का क्लास मिल रहा है, पिछले अलंकार के क्लासेस में आपने अलंकार का इंट्रोडक्शन सीखा और श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, निम्न अलंकार की चर्चा हो चुकी है, तो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको कराए जा चुके हैं। आज के क्लास में हम सभी अतिशयोक्ति अलंकार और अन्योक्ति अलंकार देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षाओं में सिर्फ श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा ही नहीं आता है, अन्य अलंकार भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सभी का अध्ययन करना आवश्यक है। बहुत सारे परीक्षाओं में हिंदी अनिवार्य कर दिया गया है और अलंकार की परिभाषा के साथ साथ अलंकार के उदाहरण को भी आवश्यक है जानना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज देखिएगा, अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार को इंग्लिश में हाइपरबोल कहते हैं। जैसा कि सभी विद्यार्थी जानते हैं, अतिशयोक्ति वर्ड से ही स्पष्ट है कि बढ़ा चढ़ा करके कहना कोई बात, इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कह देना कि वह सत्यता से परे हो या लोक लीला, लोक गरिमा से परे हो, तो उसको अतिशयोक्ति कहते हैं। जैसे आपने सुना है, युद्ध भूमि में रक्त की नदियां बह गई, तो ऐसा कहीं होता है? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे रिलेटेड जो भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स वो दिए गए हैं, तो देखिएगा। कह रहा है, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की अत्यंत प्रशंसा के लिए बात इतनी बढ़ा चढ़ा करके कह दी जाए कि वह संभव ही ना हो, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो जैसा कि डेफिनेशन में हमने समझ लिया, अब उदाहरण को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला उदाहरण जो है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है और इसको समझने का भी प्रयास करेंगे। कह रहा है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल से पग धोए। यह पंक्तियाँ श्री कृष्ण और सुदामा के लिए कही गई हैं। जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं, तो ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है, लोक कथाओं में ऐसा प्रचलन है कि श्री कृष्ण जी उनसे गले मिले तो ऐसा रोए कि उनका पैर धुलने की तैयारी कर रहे थे कि आंसू से ही उनके पैर धुल गए। तो यही कवि कहने का प्रयास कर रहे हैं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल से पग धोए, कि आंसुओं से उनके पग को धो दिया गया। और आप देख पा रहे हैं, आंसू इतने जबरदस्त गिरे, या कह सकते हैं आंसू इतने गरीब गिरे कि उनके जो भी पग थे वो धुल गए, पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो यहाँ कवि बात कह रहा है, अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से यहाँ इतना बढ़ा चढ़ा करके कह दिया, ऐसा कहीं होता नहीं है सत्यता में कि कोई इतना रोए कि आंसू गिरे और आंसू गिरने से पैर धुल जाए, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होता है। तो ये उदाहरण आप समझने का प्रयास करिएगा, अगर परीक्षा में ये उदाहरण मिलता है तो आप ये मान के चले कि अतिशयोक्ति अलंकार है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला देखिए उदाहरण, लहरें व्योम चुमती उठती, लहरें समुद्र की लहरें इतना उठ रही हैं कि व्योम, व्योम मतलब होता है आकाश, तो आकाश को छू रही हैं, लहरें इतना उठ रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। समुद्र में ज्वार भाटा आता है, आने लहरों के आगे बढ़ने की स्थिति को ज्वार, पीछे हटने की स्थिति को भाटा कहते हैं। तो कोई भी ज्वार भाटा की लहर या कोई भी समुद्री लहर इतनी ऊंची नहीं उठ सकती है कि आसमान छू दे। तो यहाँ पर देखिए कितना ज्यादा कवि ने बढ़ा चढ़ा करके कहा है। अगला उदाहरण देखिएगा, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग। देखिएगा कह रहा है, हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। यहाँ पर वो कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हनुमान जी ने श्रीलंका में जब प्रवेश किया, तो जब दानवों ने उनके पूछ को जलाने की कोशिश की, तो उनका पूछ नहीं जला बल्कि पूरी लंका जल गई। तो जो है, ये थोड़ा समझिएगा कि वास्तविकता से परे है ये बात। यहाँ पर ये देखिएगा कि कैसे आग किसी मनुष्य को या किसी को ना टच करे, भौतिक चीज को। आग का काम है कि भौतिक चीज को नष्ट कर देना। तो यहाँ पर कवि कहने का प्रयास कर रहे हैं, हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गए, यानी कि सारी लंका नगरी समाप्त हो गई, गए निशाचर भाग। और निशाचर मतलब होता है राक्षस या दैत्य, सभी निशाचर लोग भाग गए, लेकिन नगरी जल गई, लेकिन हनुमान के पूछ में आग नहीं लग पाई, तो ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, कवि बढ़ा चढ़ा करके हनुमान जी की प्रशंसा में बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, भौतिक चीजें नष्ट होना वास्तविकता है, यहाँ पर वास्तविकता से परे बात की जा रही है। आई होप ये उदाहरण आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर महाराणा प्रताप की बात की जा रही है, महाराणा प्रताप के घोड़े की बात की जा रही है, जिसका नाम चेतक था। ऐसा कहा जाता है कि
चेतक के अंदर इतनी स्फूर्ति थी, चेतक अब ऐसा नहीं, कहानियों में ऐसा तभी से तो चेतक उड़ता था बट ऐसा कुछ नहीं है, इतनी ज्यादा उसकी स्पीड थी, बहुत तेजी से दौड़ता था चेतक घोड़ा जो कि महाराणा प्रताप का था। तो कवि ने उस घोड़े के और महाराणा प्रताप के प्रशंसा में ये बात कही है कि जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध से जाते हैं जो 1576 ईस्वी में हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, तो वहां से जब वो गुजरते हैं तो अपने घोड़े को लेकर के गुजरते हैं और जो है घोड़ा ये वो सोचते हैं नदी को पार करने के लिए, तब तक यमुना नदी जो कि पड़ता है आगरा में, तो वहां पर कहते हैं कि यमुना नदी को पार करने के लिए वो सोचते हैं, लेकिन तब तक क्या होता है, तब तक घोड़ा उस पार छलांग लगा देता है उनके, यानी कि घोड़े की स्फूर्ति की बहुत ज्यादा प्रशंसा की गई है जो वास्तविकता से परे है। तो यहाँ पर कह रहे आगे नदियां पड़ी अपार, मतलब बहुत बड़ी सी नदी सामने पड़ी है, घोड़ा कैसे उतरे पार, महाराणा प्रताप सोच रहे हैं कि घोड़ा कैसे कूदेगा, कैसे हम और मेरा घोड़ा नदी को पार करेंगे। राणा ने देखा इस पार, तब तक राणा इस पार देख करके सोच ही रहे हैं, तब तक चेतक था उस पार, तब तक वह क्या था उस पार पहुंच गया। तो यहाँ पर चेतक की स्फूर्ति की बहुत ज्यादा प्रशंसा कवि कर रहे हैं और बढ़ा चढ़ा करके बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये चीज अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। आगे देखिएगा, आगे उदाहरण में कवि कहने का प्रयास कर रहे हैं, देख लो साकेत नगरी है यदि, ठीक है, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ पर देखिए साकेत नगरी की बात हुई है, साकेत नगरी अयोध्या को कहते हैं। तो कह रहा है देख लो साकेत नगरी है यही, कि साकेत नगरी है ये और इतना सुंदर सजाया गया है राम जी के आने वापसी आने के लिए, कि स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, इतना ज्यादा प्रकाशवान है कि इतना रिफ्लेक्शन हो रहा है कि जैसे लग रहा है कि स्वर्ग से मिलने जा रही है, स्वर्ग इतना सुंदर होगा, तो स्वर्ग जितना सुंदर, स्वर्ग से सुंदर अयोध्या नगरी है। तो यहाँ पर देखिए कवि अयोध्या नगरी के सजावट की इतनी ज्यादा प्रशंसा करती है कि कवि यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अयोध्या नगरी साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने जा रही है, यानी स्वर्ग जितना सुंदर है। तो आई होप ये उदाहरण भी आप समझे होंगे, परीक्षा में पूछा जाता है। अगला उदाहरण देखिएगा, बाधा था विधु को किसने, विधु मतलब ईश्वर भगवान, भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है। कह रहा है बाधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, बाधा था विधु, विधु मतलब भगवान, भगवान श्री कृष्ण विधाता को किसने इन काली जंजीरों में, काली जंजीरों में विधाता को किसने जकड़ रखा था, किसने बांध रखा था, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा है हीरों से। मतलब देखिएगा मणि वाले फड़ियों, फड़ियों मतलब होता है सर्प यानी सांप, तो मणि वाले सांप का मुख जो जहाँ पे मुख में क्या होना चाहिए, विष होना चाहिए, जहर होना चाहिए, तो उन मणि वाले फड़ियों के मुख में क्यों हीरा भरा था, हीरा क्यों भरा था, उनके मुख में तो जहर होना चाहिए, तो मणिधर जो सांप होते हैं उनके मुख में ऐसा माना जाता है कि वो और भी जहरीले हो जाते हैं समय के साथ। तो वहाँ पर देखिए कह रहा कि मणि वाले फड़ियों, फड़ियों मतलब सांप के मुख में हीरा कौन भर दिया था, उनके मुख में तो जहर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है भगवान को बांधना, तो यहाँ कहीं संभव है कि ईश्वर को कोई बांध सके, ठीक है, ईश्वर एक ऐसी सत्ता है जिसको कोई भी नहीं जान सकता बांध सकता। तो यहाँ पर देखिए कितना ज्यादा हाइपरबोल कह दिया गया है कि पापियों का राज हो गया है और ईश्वर को यहाँ बांधा जा रहा है और जो दुष्ट लोग हैं उनको अच्छी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं या जो नुकसानदायक चीजें हैं वो उनसे लेकर के अच्छी चीजें उनको दे दी जा रही हैं जिससे जो वो नहीं डिजर्व करते हैं। तो यह भी हाइपरबोल है यानी अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे पंक्तियां हैं, आगे का उदाहरण, धनुष उठाया जो ही उसने, यहाँ किसकी बात की जा रही है, यहाँ अर्जुन की बात की जा रही है। क्या बात है, यहाँ पर देखिएगा धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, किसकी बात है, अर्जुन ने, ऐसा माना जाता है कि अर्जुन का जो गांडीव था वो जब भी धनुष उठाते थे तो किसी न किसी का संहार ही करते थे या किसी न किसी के, ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि अर्जुन कभी भी युद्ध नहीं हारे, अर्जुन इतना ज्यादा निपुण थे धनुष बाण चलाने में कि उनका निशाना नहीं चूकता था। तो यहाँ पर अर्जुन की प्रशंसा में कहा जा रहा है धनुष उठाया जो ही उसने, कि जैसे ही उसने धनुष उठाई और चढ़ाया उस पर बाण, और जैसे ही धनुष बाण उठा करके बाण चढ़ाया कि अब चलो मारना है, युद्ध कुंभ में धरा सिंधु नभ कांपे, धरा
है समुद्र, नभ मीन्स आकाश। तो जैसे ही उन्होंने धनुष बाण उठाया और बाण को धनुष से सेट किया तो धरा मतलब धरती, तो सिंधु मतलब समुद्र, नभ मतलब आकाश, तो धरा सिंधु समुद्र यानी धरती आकाश और सिंधु समुद्र भी कांप उठे और क्या हो गया, बिखर हुए जीवों के प्राण, प्राण निकलने को डर के नाते तैयार हो गए कि अब तो मरना तय है, अब तो संहार तय है। तो यहाँ पर देखिएगा किसी के धनुष बाण उठाने से नहीं तो किसी की मौत हो जाती है, लेकिन यहाँ पर अर्जुन की वीरता को, अर्जुन की निशानेबाजी को कितना ज्यादा बढ़ा चला करके कवि यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो आई होप आपको अतिशयोक्ति अलंकार समझ में आ रहा होगा कि वास्तविकता से परे किसी की प्रशंसा कर दी जाए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर देखिएगा अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार का माध्यम मतलब होता है अन्य के माध्यम से अपनी बात कहना या इनडायरेक्टली किसी और का उदाहरण देकर के कोई बात कहना, बात उसी से कहना और वही बात कहना लेकिन उदाहरण किसी और का ले लेना, तो यह अन्योक्ति अलंकार होता है। मीन्स कवि अपनी बात को अन्य के माध्यम से कहा जाए, तो यहाँ पर हम सभी देखते हैं अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति अलंकार अन्य के माध्यम से बात कही जाती है। उदाहरण देखेंगे, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए, जब काव्य में किसी अन्य के माध्यम से किसी को कोई बात कही जाती है तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर सबसे अच्छा उदाहरण आपको राजा जयसिंह के दरबार में मिलते हैं। राजा जयसिंह के दरबार में जो भी एक कवि थे वहाँ पर बिहारी ससई, एक कवि थे बिहारी ससई जो कि बिहारी हैं, जिनकी ससई एक रचना है गागर में सागर के लिए वे प्रसिद्ध हैं। तो जब औरंगजेब के समय में जब राजा जयसिंह युद्ध रथ थे तो कुछ समय के लिए वे औरंगजेब के से मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि राजकाज हार जाएगा इस बात से दूर हो गए थे या सोचना भूल गए थे कि हमें युद्ध की भी तैयारी करनी है। तो महाराजा हरि सिंह को महाराजा जय सिंह को बिहारी जी ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं और वह चूंकि नवविवाहित थे, नव विवाह हुआ था तो यहाँ पर वो अपनी रानी के साथ खुश हैं और उनका राजकाज से ध्यान हट गया है और औरंगजेब के साथ युद्ध करना है यह भी उनके दिमाग में नहीं रह गया है। तो ये एक भय राज्य के खोने का, तो राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे बिहारी जी, तो वो उनका ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं और कैसे करते हैं देखिएगा, ये पंक्तियाँ बार बार पूछी है परीक्षा में। नहीं पराग नहीं मधुर वर, मधु नहीं पराग मतलब पराग मीन्स फूलों का रस, उसको पराग कहते हैं। नहीं मधुर मधु, ना ही मधुर मधु है जो भी जो है फूलों का रस ही होता है। फिर कह रहा है नहीं विकास यही काल, और ना ही इस समय विकास का काल है कि जो भी राजा अपनी रानी के साथ बिजी है, रानी के साथ ऐसा कहे कि ज्यादा समय व्यतीत करने लगे हैं, तो वो कह रहे हैं कि रानी के साथ विकास का ये समय नहीं है। तो ये चीज समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर समझिएगा पंक्तियों को, तो यहाँ पर देखिएगा कवि कह रहे हैं नह विकास यही काल, मतलब यह रानी के साथ विकास का समय नहीं है। अब यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर अली कली भी सौ विध्यो, अली मतलब होता है राजा, समझिएगा यहाँ पर अली मीन्स अली के दो मीनिंग है, अली मीन्स राजा भी होता है और अली मीन्स होता है भौरा, समझिएगा भौरा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अली कली ही बिंदु, अली मीन्स होता है राजा और अली मीन्स होता है भौरा, और कली के भी दो मीनिंग है, कली का पहला मीनिंग होता है जो कि कली यानी कि फूल है और दूसरा कली का मतलब होता है रानी, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझिएगा अली कली ही बिंदु यानी अली कली में इस प्रकार से बिजी है, अली मीन्स राजा और कली मीन्स रानी। तो कवि यहाँ पर भौरे और पुष्प के माध्यम से कह रहा है कि भौरा पुष्प के साथ इतना ज्यादा बिजी है, उसमें खो गया है, कह रहा है तो अब अली मीन्स भौरा, कली मीन्स राजा, कली मीन्स होता है फूल, तो राजा रानी को भौरा और फूल कह दिए हैं। यहाँ पर ही बिंदु आगे कौन हवाल, जब अभी ही यहाँ पर जब पराग भी नहीं है, मधु भी नहीं है और विकास भी नहीं हो पा रहा है, तब जब अली कली में यानी राजा रानी के साथ बिजी है तो आगे कौन हवाल। तो जब रानी बड़ी होगी, रानी मेच्योर होंगी या जब परिस्थितियां प्रतिकूल अनुकूल होंगी तब जाकर के क्या स्थिति बनेगी। तो यहाँ पर कवि राजा
कली और भौरा के माध्यम से। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। आगे पढ़ते हैं, माली आवत देखकर कलियां करी पुकार। यहाँ पर देखिए माली आवत देखकर, जब आप पंक्तियां पढ़ेंगे तो शायद स्पष्ट ना हो पाए कि कवि कहना क्या चाहते हैं, लेकिन कवि अन्य के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, माली आवत देखकर कलियां करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। क्या कह रही है कलियां? माली मतलब यहाँ पर माली एक मीनिंग है, दूसरे मीनिंग है मौत, मृत्यु। यहाँ पर देखिए माली आवत देखकर, माली को आते देखकर कलियां करी पुकार, कलियां चिल्ला रही है, शोर मचा रही है। क्या मचा रही है? डर की वजह से। फूले फूले चुन लिए, फूल फूल तो माली ने तोड़ लिया, काली हमारी बार की, अब कल हमारी भी बारी है। तो यहाँ पर कवि किसकी बात कर रहा है? कवि बात कर रहा है कि मृत्यु को आता देख करके हर व्यक्ति छटपटाता है, हर व्यक्ति परेशान होता है, हर व्यक्ति सोचता है, और यह व्यक्ति को सोचना चाहिए कि दिन प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, दिन प्रतिदिन हर किसी को मौत आ रही है, तो कल हमें भी मौत आना है, हमारी भी मौत निश्चित है। कवि ये कहना चाह रहा है, परंतु कली के माध्यम से और माली के माध्यम से, फूल के माध्यम से, समझ रहे हैं आप, ये अन्योक्ति अलंकार हुआ। आई होप आप समझे होंगे। अगला उदाहरण देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में पूछता है। कह रहा है, तेरा तपन चीतिया जब ढिंग लागी वेद। कितनी अच्छी बात कही जा रही है, अब ते चेते का भयो जब कांटन लीन हो गए। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है केला तपन चीतिया, यानी कि केला मीन्स केला बनाना, ठीक है। केला तपन चीतिया, केला तब ही क्यों नहीं चीत गया, चेत गया मतलब होश में आ गया, कॉन्शियस नहीं हो गया, जब ढिंग लागी वेद, जब बेर का वृक्ष उसके जड़ के पास उगा था, तभी क्यों नहीं उसको दबा दिया, तब उसके पास सामर्थ्य था कि वह उसको दबा सकता था, बेर के पेड़ को नष्ट कर सकता था, लेकिन तब उसकी अकल, तब उसको अकल नहीं आई, तब उसने नहीं सोचा, तब वह नहीं चेता। तो क्या हुआ उसका दुष्परिणाम? अब ते चेते का भयो, तो अब चेतने का क्या फायदा जब बेर उसको चारों तरफ से घेर लिया है, यानी बेर का कांटा उसको चारों तरफ से घेर लिया है। तो कवि यही कहने का प्रयास कर रहा है कि व्यक्ति को आने वाले संकट के बारे में पहले ही सचेत हो जाना चाहिए, और जब संकट उसके पास आ जाए या विपरीत परिस्थितियां उसको घेर ले, तब चेतने का क्या फायदा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, दुश्मन को समय रहते ही पहचान जाओ, अन्यथा वह तबाह कर देगा। तो केला तब, तो केला के माध्यम से, बेर के माध्यम से कवि अपनी बात कह रहा है, ठीक ना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगला उदाहरण देखिए, ये कबीरदास की पंक्ति है, जल बिच मीन प्यासी सुनी सुनी आवे हांसी। कितना अच्छा उदाहरण है, जल के बीच में मीन मीन्स होता है मछली, तो मीन मीन्स मछली प्यासी है। अब ऐसा कहीं संभव है कि जल में ही रह करके मीन प्यासी हो? बिल्कुल सही, ये सत्य बात है, मछली पानी नहीं पीती है। तो यहीं पे क्या कह जा रहा है, जल बीच मीन प्यासी, कि जल के बीच में रह करके मीन मछली को प्यास हमेशा लगी रहती है, मछली हमेशा परेशान रहती है, सुनी सुनी आवे हंसी, मुझे सुन सुन के हंसी लग रही है। ये कवि कहने की बात कह रहा है। अब ये क्यों कह रहा है? ये कवि कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे माहौल, अच्छे वातावरण के बीच भी कोई व्यक्ति उसका फायदा नहीं उठा पाता। यहाँ पर ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि अच्छे वातावरण और अच्छे लोगों के बीच में रह करके कोई अच्छा नहीं बन सकता। इस बात को कहने का प्रयास मीन यानी मछली के माध्यम से कवि कह रहा है, अन्योक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण देखिएगा, फूल के आस पास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, फूल के आस पास रहते हैं, यानी कि फूल जिसको दुनिया में खुशी माना जाता है, जिसको माना जाता है कि पॉजिटिविटी का प्रतीक है, तो यहाँ पर कह रहा है फूल के आस पास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। फूल के आस पास, खुशियों के आस पास रहते हुए भी, पॉजिटिविटी के आस पास रहते हुए भी व्यक्ति यानी कांटा उदास रहता है, कांटों के फिर भी कांटे उदास रहते हैं, यानी कि क्या कह रहा है, पॉजिटिविटी के साथ भी लोग निगेटिव बने रहते हैं, पॉजिटिव लोगों के, अच्छी अच्छी चीजों के व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, उसको यह नहीं दिखाई देता कि मेरे आसपास अच्छाई कितनी है या क्या अच्छाई है, वह हमेशा निगेटिव पॉइंट को ढूंढता है। तो कभी यहाँ पे कहने का प्रयास कर रहे हैं। अगला पंक्ति देखेंगे, जिन जिन देखे वे कुसुम गई सुगई
की बहार अब अन्य रही गुलाब में अपत कटी दीदार। देखिए कितनी अच्छी पंक्तियां कह रहा है, जिन्हें दिन देखे वे कुसुम कि जब फूल खिल रहा था तो भौरा था ही फूल के आसपास, गई सुबीती बहार। लेकिन जब बहार चली गई, जब अच्छे दिन चले गए, अब अली रही गुलाब में, तब भी अली यानी कि भौरा गुलाब में ही है, अपत कटी लीडार कांटों के बीच में है, यानी कि सुख के दिन में तो साथ रहना ही चाहिए, दुख के दिन में भी साथ छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर कवि बताने का प्रयास कर रहा है कि जिन दिन देखे भेट सिंह, जब फूल खिल रहे थे, फूल खिलने के दिन थे, तो गई सुबीती बहार। उसके बाद जब सुबीती बहार बाहर चली गई, फूल खिलना बंद हो गए, अब अली रही गुलाब में, तब भी अली मने भौरा गुलाब के पास ही है, और क्या अपत कटीली डाल, कटीली डाल के बीच में। ठीक है, अगला देखिएगा, भयो सरति पति सलिल पति अरु रतनन की खान। किसकी बात कर रहा है, यह समुद्र की बात कर रहा है कि यहाँ पर देखिएगा, भयो सरित पति सलिल पति अरु रतनन की खान, कि समुद्र इतना लंबा चौड़ा है और समुद्र इतना विशाल है, रत्न की खान है, लेकिन फिर भी उसके साथ क्या समस्या है। कहा बड़ाई समुद्र की, समुद्र की आप कितनी भी बड़ाई करें, जुपाय न पीवत पान, लेकिन उसका पानी कोई नहीं पी सकता। यहाँ पर कवि कहने का बात कर रहा है कि कोई अगर यदि कोई अच्छा नहीं है, किसी के काम काज नहीं अच्छे हैं, तो उसके पास धन, उसके पास संपन्नता कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उसका कोई भी बड़ाई नहीं कर सकता, उसको कोई भी अपने लिए अपने हितकारी नहीं समझ सकता। तो समुद्र यहाँ पे कितना भी विशाल है, यहाँ पे कह रहा है भयो सरित पति सलिल पति, मतलब कि समुद्र बहुत विशाल है, समुद्र की विशालता की बड़ाई नहीं की जा सकती। अरुरत्नन की खान, और रत्न की खान है समुद्र में, कहा बड़ाई समुद्र की, और समुद्र की चाहे आप कितने भी बड़ाई कर लें, जुपर न पीवत पान, लेकिन उसका पानी इतना खारा होता है कोई नहीं पीता। तो यहाँ पर देखिए कवि अन्योक्ति अलंकार के ये सारे उदाहरण परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, नोट डाउन करिएगा, क्योंकि उदाहरण बहुत ज्यादा परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप आई होप समझ रहे होंगे, आपको संतुष्टि हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा। संदेह अलंकार और भ्रांति माला अलंकार जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, उदाहरण से समझेंगे अंतर क्या है दोनों में। संदेह अलंकार में संदेह हो जाता है और भ्रांति मान अलंकार में अंत तक भ्रम बना रहता है, दोनों में यही अंतर है और दोनों के उदाहरण भी अलग अलग है, तो उसको समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए का परिभाषा देखते हैं। संदेह अलंकार में करा जहाँ दो वस्तुओं में मतलब उपमेय में और उपमान में समानता या समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि कौन है उपमान और कौन है उपमेय, मतलब क्या संदेह बना रहता है, इसलिए उसको संदेह बस कोई काम करे तो यहाँ पर संदेह अलंकार होगा। उदाहरण देखिएगा, कह रहा है वदन सुधानिधि जानिके, यानी कि कह रहा है शरीर सुधानिधि जानिके कि यहाँ पर तुम रंग फिर चकोर, चकोर इधर उधर घूम रहा है, वदन पिंधो या सीख कर, वहीं पर मोर को ठंडक लगी है, मोर को लग रहा है चकोर को आग की आवश्यकता होती है और मोर को बारिश की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वदन सुधानिधि जानिके कि यहाँ पर क्या हो रहा है, चकोर को लग रहा है कि धरती गर्म है और अभी आग मिलेगी, चकोर आग खाता है ऐसा मान्यता है, तो यहाँ पर चकोर आग की खोज में भ्रम हो गया करके इधर उधर फिर रहा है, इधर उधर नाच रहा, उधर उधर भटक रहा है कि अभी आग मिलेगी और मैं खाऊंगा, वदन पिंधो या सीख कर, लेकिन वही मोर को लग रहा है कि ठंडक लग रही है यानी बारिश होने वाली है, बादल जैसी परिस्थितियां बन रही है। तो यहाँ पर देखिए पिंधो कमल भय मोर, तो वहाँ पर मोर क्या हो रहा है, नृत्य करना स्टार्ट कर दिया, चकोर ने धरती की गर्मी को आग समझ लिया, मोर ने धरती की ठंडक को वातावरण जो भी पना, तो मोर को लगा कि बारिश होगी और वह नाचना शुरू कर दिया, तो दोनों को भ्रम हो गया है, यहाँ पर संदेह अलग का है, दोनों को संदेह हो गया है। अगला देखिएगा एग्जाम्पल, साड़ी बीच नारी है, किनारी बीच साड़ी है, साड़ी ही किनारी है, नारी ही की साड़ी है, यह द्रौपदी के लिए दुशासन कहता है। जब द्रौपदी को भरी सभा में उनका वस्त्र उतार कर, उनका साड़ी उतार कर
दुर्योधन कहता है कि मुझे इससे मुझे मेरी जंघा पर नग्न करके बैठाओ, तो दुशासन उठता है और दुशासन उनको नग्न करने का प्रयास करता है, निर्वस्त्र करने का प्रयास करता है। और यहाँ पर ऐसी मान्यता है, ऐसी एक स्टोरी है कि भगवान श्री कृष्ण बार बार उस साड़ी द्रौपदी को प्रदान करते हैं और उनकी साड़ी खींचता रहता है, दुशासन खींचता रहता है और समाप्त नहीं होता है। तो वह थक हार करके कहता है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी को महिला ने लपेट रखा है, द्रौपदी ने लपेट रखा है, कि द्रौपदी में साड़ी है, साड़ी द्रौपदी के अंदर से निकल रही है। तो कह रहा है साड़ी बीच नारी है कि साड़ी के लपेटन के बीच में नारी है या नारी में से साड़ी निकल रही है, साड़ी ही की नारी है, साड़ी नारी है कि नारी साड़ी है। यहाँ पर दुशासन कंफ्यूज हो जाता है और यहाँ संदेह बस वह बात कहता है, यहाँ पर संदेह लगता है। यह उदाहरण परीक्षा में बार बार पूछा गया है। अगला देखिएगा, है पवित्र पूर्णेन्द्र वह अथवा किसी कामिनी की बदन की छटा, मिट गया संदेह चढ़ भर बाद ही, पान कर संगीत की सुर माधुरी। कह रहा है उदित पूर्णेन्द्र वह अथवा किसी कामिनी के बदन की छटा, कि पूर्ण चांद है या किसी नायिका किसी सुंदरी के बदन की छटा यानी सुंदरता है, मिट गया संदेह क्षण भर बाद ही, बाद में एक क्षण के बाद मेरा संदेह मिट गया, मेरा संदेह समाप्त हो गया। क्यों? पान कर संगीत स्वर माधुरी, जब उस महिला ने संगीत गाया, जब उस महिला ने गीत गाया, तो कवि कह रहा है कि जब उस महिला ने गीत गाया तो मेरा भ्रम खत्म हो गया कि वह महिला के चेहरे की सुंदरता है या चांद की सुंदरता है। यहाँ पर देखिए संदेह समाप्त हो गया, संदेह अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए, कहो मानवी यदि मैं तुमको तो ऐसा संकोच कहाँ, कहूँ दानवी तो उसमें यह लावण्य की लोच कहाँ, वन देवी समझू तो वह तो होती है भोली भाली। यह पंक्तियाँ लक्ष्मण मिश्र परखा के लिए कही है, सूर्यप्रखा के लिए कही है। यहाँ पर देखिएगा, वो जब सूर्यप्रखा को देखते हैं तो वो ये समझते हैं कि यदि वह मानवी होती तो संकोच करती, ठीक है। और कह रहा दानवी यदि मैं तुम्हें समझूं तो लावण्य की लोच कहाँ, तो तुम उस प्रकार की विशाल भी मुझे नहीं दिखाई दे रही हो इस भयभीत जंगल में कि मैं तुम्हें दानवी समझूं, वन देवी समझूं अगर, तो तुम मुझे भोली भाली भी नहीं नजर आ रही हो। राम के पास और लक्ष्मण के पास वह बार बार जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा लक्ष्मण जी कंफ्यूज होकर के कह रहे हैं कि यदि मैं तुम्हें मानवी समझूं, जंगल की स्त्री समझूं, तो वह संकोच करती है, यदि मैं तुम्हें दानवी समझूं, राक्षसी समझूं, तो वह बहुत ही विचित्र डरावनी होती है और दुष्ट लक्षणों वाली होती है, और यदि मैं वन देवी तुम्हें समझूं कि तुम वन की देवी हो तो वो तो भोली भाली होती है। तो यहाँ पर सूर्यप्रखा को देख करके लक्ष्मण जी संकोच कर जाते हैं, संदेह कर जाते हैं, संदेह अलंकार होगा। तो उम्मीद करते हैं संदेह अलंकार बच्चों आपको समझ में आया होगा और ये सब उदाहरणों से अपने आप को रिलेट करके समझने का प्रयास करिएगा। अब आते हैं भ्रांतिमान अलंकार में। आपने इस बात को समझ रखा है कि भ्रांतिमान अलंकार में अंत तक भ्रम बना रहता है, ठीक है। तो कह रहा है जहाँ सादृश्य यानी एक जैसा कारण किसी वस्तु में दूसरे वस्तु का भ्रम हो जाए, मतलब इतनी समानता हो कि देखने से भ्रम हो जाए दूसरी वस्तु का, तो वो ये क्या हो जाता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण देखिएगा, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाढ़ी का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य यह सुख कौन है। बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं, समझने का प्रयास करिएगा। नाक का मोती यानी नाक की जो नथ थी, नाक की जो नग थी, उसको देखकर अधर की कांति से, लाल ओठ, अधर मतलब ओठ, कांति मतलब चमक, नाक का मोती यानी कि नाक में जो कोई महिला नग पहनी है उसको देख करके और ओठों की चमक को देख करके, बीज दाढ़ी का समझ कर, और वह अनार के दाने जो कि कोई महिला लेने आई है तो वह क्या समझ रहा है, दाढ़ी मतलब है अनार के दाने, तो किसी महिला के होठों की चमक से, नाक के नग से, नाक में जो पहनी है नग, उसको देख कर उसके चमक से, बीज दाढ़ी का समझ कर भ्रांति से, तो उसके ओठ की चमक को और उसके नाक की नग को देख करके, दाढ़ी मतलब होता है अनार, ठीक है ना, समझिएगा, दाढ़ी मतलब अनार, बीज मतलब दाना, तो अनार का दाना समझ लेता है उसके नाक की नग और ओठ की कांति को देखकर, सहसा हुआ सुख मौन है और जो तोता है वह पेड़ पर बैठा है
परेशान हो गया, शांत हो गया, क्या समझकर कि यह दूसरा सुख कौन है, यानी दूसरा तोता कौन सोचता है या अन्य सुख कौन है, कि जो महिला अपने नाग में पहनी है नथ और उसमें चमक है, ओठ उसके लाल चमक रहे हैं, तो जो दूसरा तोता जो पेड़ पर बैठा है वह ये समझ रहा है कि अनार का दाना कोई दूसरा तोता खा रहा है, या दूसरा तोता अनार के दाने के बीज समझ करके वह तोता समझ लेता है। तो महिला के चमक को, ओठ के चमक को, नाक के नथ को, तो वह अनार का दाना का बीज समझ करके वह सोचता है कि दूसरा तोता कौन है, तो यहाँ भ्रम है और भ्रम अंत तक बना हुआ है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। फिर कह रहा है, पाई महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मोड़त जाई। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है कि महावर देने को नाइन, जो कि आप जानते हैं कि पैरों में रंग लगाने घरों में आती है, तो नाइन आई है पैर में रंग लगाने, और जब वह देखती है फिर जान महावरी की कोई उसकी यजमान है और उनके पैर, उनकी एड़ी इतनी लाल है, इतनी सुंदर है कि उस नाइन को भ्रम हो गया कि उसने महावर पहले से लगा रखा है, तो वह अपना एड़ी मोड़ने लगी, यानी वह पीछे जाने लगी। तो यहाँ पर पैरों की लालिमा को, एड़ी के लालिमा को वह महावर समझ बैठी है और लौट के धीरे धीरे जाने का प्रयास कर रही है। यही इस पंक्ति का मतलब है। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावर, यानी महावर समझ गई, एड़ी मोड़ दी जाए, और स्वयं वो अपना एड़ी मोड़ करके जाने लगी। तो समझ गए होंगे, पैर के महावर को, पैर के लालिमा को महावर समझ बैठी है। ठीक है, ब्रह्म अंत तक बना हुआ है। अगला पर देखते हैं। बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझ कर विषधर को उठा लिया तब गजने आप। देखिएगा, दोनों भ्रमित हो गए। क्या भ्रमित हो गए? सांप ने हाथी के सुंड को क्या किया है, बिल समझ करके उसमें घुसने लगा, और कब घुसने लगा, जब काली ईख समझ कर विषधर को और हाथी को क्या भ्रम हुआ, विषधर को, यानी कि जो सांप था उसको उसने काली गन्ने की ईख समझ बैठा और उसको सूंड से उठाकर खाने का प्रयास करने लगा। तो जब सांप भी उसके सूंड को बिल समझ करके घुसने लगा, तो दोनों भ्रमित हो गए। हाथी ईख को, काली ईख को, सांप को काली ईख समझ बैठा, और सांप हाथी के सूंड को बिल समझ बैठा, दोनों भ्रमित हो गए। भ्रांति मानव का है। बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे। अगला उदाहरण देखिएगा। की सुख सुमन समझ कर झपटा, इसके बाद भौरा सुख को लाल तुंड पर, तोते ने निज ठौर चलाई, जामुन का फल उसे समझ कर। कितना अच्छा उदाहरण है, यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर कवि कहने की बात कर रहा है कि भौरे को जो है तोते की लाल चोंच में सुंक, यानी कि फूल का, और तोते को भैरव में जामुन का फूल दिखा है। यानी कि क्या है, तोता जो भौरा है वो काला है और जामुन के बीज का आकार का है, तो तोते को भौरा जो है जामुन का बीज का भ्रम हो गया है, और भौरे को जब जो वो तोता समझता है तो किशुंक का फूल जो कि हरे कलर का होता है, तो उसको क्या है, भौरे ने क्या हो गया है, भौरे ने उसके चोंच को लाल तुंड पर शुक को, यानी कि तोते के चोंच को, और तोते को वह फूल समझ बैठा भौरा, और तोते ने भौरे को जामुन का बीज समझ बैठा। तो यहाँ पर दोनों भ्रमित हो गए। भौरा तोते को फूल समझ बैठा, और तोता भौरे को जामुन का बीज समझ बैठा। तो ये उदाहरण परीक्षा में पूछा जाता है। अगला देखिएगा। पथिक चले चकित चित भाग, कि रास्ते के पथिक थे, चलते जा रहे थे, घूम रहे थे, अचानक चकित होकर के भागने लगे। क्यों भागने लगे? फूलों देख पलाश वन, वन में पलाश के फूल जो कि नारंगी और लाल कलर के मिले जुले होते हैं, तो वो ये समझकर भागने लगे कि समूहे समझित दावाग्नि, कि जंगल में दावाग्नि को कहते हैं जंगल की आग, जो पथिक जा रहे थे आराम से, वे पथिक अचानक भागने लगे। उन्होंने पलाश के वन को, पलाश के वृक्ष को देखा, और उन्हें यह भ्रम हो गया कि पलाश के वृक्ष को देख करके कि दावाग्नि फैल गई है, जंगल में आग फैल गई है, अब तो सबके
सब मर जाएंगे। यहाँ देखिएगा भ्रांतिमान अलंकार है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में अंतर भी समझ में आया होगा, उदाहरण भी आप समझे होंगे, अन्योक्ति और अतिशयोक्ति अलंकार भी समझे होंगे। तो आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ही अच्छी क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो प्लीज अप्रिशिएट करिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ये सारे उदाहरण विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएशन।